श्रीकाल नमस्कार हैलो हाय आदाब दोस्तों की हाल चाल है जी ठीक ठाक हो। मैं तो अपना निर्मल सिद्धू जिस तरह तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ तोड़े वास्ते कोई म्यूजिक दे नाल रिलेटड कोई साहित्य नाल रिलेटड कल्चर नाल रिलेटड पंजाब नाल रिलेटड इंसान नाल रिलेटड जिंदगी नाल रिलेटड मेरे कुछ विचार जा मेरी जो नॉलेज है जो मैं दुनिया च देखता है जो मैं दुनिया च विचरदा है उदे विच जो भी कोई चीज़ा मैनू लगदियां कि मैं अपने स्रोतियां दे नाल सांझियां करां तो मैं कोशिश करता हुंदा कि मैं तुहाडे नाल ओह सांझियां करां। सब तो पहला जरूरी जिहड़ी तुहाडे तों डिमांड आ ओह इह है कि इस चैनल नू सबसक्राइब लाजमी करना है करना ही पैना है और उस तों बाद जिन्हें अपने सज्जन मित्र यार दोस्त है उन्हां नू इह वीडियो जिहड़ा सेंड करो लाइक करो कॉमेंट करना इस लई जरूरी है कि तुहानू अगर चंगा लग्या तो फिर तुसीं शाबाश दे सकदे हो अगर नहीं चंगा लग्या तो उस जो भी तुहानू खामियां लगियां वो तुसीं दस सकदे हो असीं उन्हां नू पूरी करांगे। तो अगे तो की असीं तुहाडे लई बना के भेजिए किहड़ा विशा जिहनूं तुसीं सुणना चाहुंदे हो यह सारियां चीज़ां बहुत जरूरी होंदियां तुहाडे नाल क्योंकि तुहाडे लई इह जिहड़े वीडियो बनाए जांदे आ और तुसीं जदों इहदा रिप्लाई करदे हो जदों तुसीं इहदा कोई जरूरी नहीं है कि तुसीं एप्रीशिएट ही करना है जां तुसीं शाबाशी देनी है अगर तुहानू लगता कोई चीज़ जिहड़ी हैगी है वह खामी इहदे च रह गई है अधूरी रह गई है तो अगले वीडियो दे विच उहदी असीं कसर जी पूरी कर दिए। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया तो एक बार जिहड़ा सबसक्राइब लाजमी चैनल कर लेना। दोस्तों मैं कहना हुंदा कि तुसीं मैनूं दसो कि किस विषय पर मैं बोलां किस विषय पर मैं गलबात करा। मैं ज़्यादा म्यूजिक के बारे क्योंकि मैनूं म्यूजिक के बारे ज़्यादा नॉलेज है म्यूजिक के बारे मैं पूरी जिंदगी काम किया तो म्यूजिक बारे मैं बहुत ज़्यादा ओपनली बोल सकदा बड़े कॉन्फिडेंस नाल बोल सकदा। कुछ साढ़े जिहड़े स्टूडेंट है उन्होंने हारमोनीयम के बारे क्या सीगा कि हारमोनीयम असी बड़े चिर तो बजाउणा है। मेरी कल एक स्टूडेंट है मेरा मैं ना नहीं डिस्कलोज करूँगा लेकिन वह तकरीबन कहिंदे 12-13 साल तो असी हारमोनीयम प्ले करते हैं लेकिन जिस तरह तुहाडा हारमोनीयम असी सुनते हैं जां होर आर्टिस्ट जिस तरह हारमोनीयम प्ले करते हैं उदा हारमोनीयम प्ले नहीं हो रहा हथ की तैयारी नहीं हो रही एक फीलिंग जिदा आनी चाहिए है पीस वर्क के नहीं आ रहा पीस वर्क नहीं बनता और लगातार फास्ट जिहड़ा है वह म्यूजिक बहुत मुश्किल हो जाता बनाना। सो मैं अज थोड़े जे स्टैप तुहानू जिहड़ा हारमोनीयम के बारे दसूँगा और जो इहदा टाइटल है वह भी यही है कि आओ हारमोनीयम सीखीए। सो हारमोनीयम के सब तो पहला जिहड़ा स्टैप है वह यह है कि सानू साडे कोल एक हारमोनीयम होना चाहिए अगर असी मेल हैं तो साडे कोल एक मेल जिहड़ा बास मेल जिहनूं कह दिंदे आ वह हारमोनीयम होवे तो अच्छी गल है और अगर कोई लड़की हारमोनीयम सीख रही है तो उहदे कोल सिर्फ एक नॉर्मल हारमोनीयम जिन्हों आप कह दें वह बास मेल ना भी हो चंगा वह हारमोनीयम जिहड़ा चाहिए जिहदे च थोड़ी जी उन्हां दी आवाज़ है वह थोड़ी जी टांटी हुंदी है थोड़ी शार्प हुंदी है सिंगल हुंदी है। यह हारमोनीयम भी बहुत वड्डा निर्भर करता है कि हारमोनीयम असी किहड़े हारमोनीयम ते सीख रहे हैं वह हारमोनीयम के कीज जिहड़े हैगे है उन्हां दी रवानगी किस तरह की है उन्हां दी जिहड़ी बनतर है किदां दी है कंपनी किदां दी है यह सारिया चीज़ां मायने रखदियां लेकिन शुरुआत जिहड़ी हैगी है मैं वो तुहानू कराउण लग्गा कि हारमोनीयम सब तो पहला जदों आपां हारमोनीयम सीखना है तो बेसिक जिहड़ियां कुछ गल्लां बातां जिहड़ियां क्योंकि मैं एक लैसन दे विच मैं आम जिहड़े यूट्यूबर हुंदे आ उन्हां वांगू नहीं कि एक स्टैप एक है स्टैप दो स्टैप तीन स्टैप चार वो नहीं है मैं तुहानू एक समुचा जिहड़ा स्टैप है वह सारा समझा दूंगा। स्टैप वन ही है ये स्टैप टू मैं फिर दसूँगा क्योंकि बहुत वड्डा समुंदर है इहनूं एक स्टैप नाल पूरा नहीं किया जा सकता पर फस्ट स्टैप दे विच तुसीं किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां का ख्याल रखना है वह चीज़ा मैं तुहानू दसण लगा। आ जाओ जी सब तो पहला जदों आपां हारमोनीयम सीखते हैं तो सब तो पहली गल हैगी है कि अगर मेल है तो उन्होंने ए सुर तो असी स्टार्ट करना है जिन्हों असी सी शार्प कहने सी शार्प तो असी स्टार्ट करांगे सा रे गा मा पा धा नी सा और जो भी हारमोनीयम असी सीखना है तो ये ख्याल रखना है कि जिहड़ी पहली उंगल है वह इस फस्ट की दे उत्ते रखनी है सैकंड इहदे ते रखनी है अंगूठा अगे थर्ड गा दे उत्ते अंगूठा आऊगा मा दे उत्ते उंगल आऊगी पा दे उत्ते फिर सैकंड उंगल आऊगी धा दे उत्ते फिर लास्ट उंगल आएगी फिर अंगूठा आएगा उस तो बाद फिर जिहड़ा हैगा वह सा आएगा। सो ये चीज़ की जिहड़ी तैयारी है सब तो पहला इहनूं असी अभ्यास करना है सरगम जिहड़ी सीखनी है बहुत जरूरी है मैं सरगम बोल के सुना दूंगा और उंगलां लाजमी ख्याल रखना है फस्ट फिंगर सैकेंड फिंगर अंगूठा थम उस तो बाद फस्ट सैकेंड थर्ड फिंगर अंगूठा फिर फस्ट लाउनी है
फिर तो स्टार्ट करेंगे सा नी दा पा मा गा रे सा। ये चीज का असं अभ्यास करेंगे, इनू वध तो वध जिन्ना भी हो सकता। सब तो पहला जिहड़ी अरोह है वह थोड़े अरोह ते अवरोह थोड़े दिमाग च होनी चाहिए है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, और इनू जिन्ना फास्ट कर सकते हो। सारे गामा पाता नहीं सा नहीं दपा मगर ऐसा सारे गामा पाता नहीं सा संतपा मगर ऐसा सारे गामा पाता नहीं संतपा मगर, जिन्ना फास्ट करोगे तुसी वो तुहाडे जहन दे विच सरगम भी आजूगी और सुर की दूरी जिहड़ी है सारे गामा पाता नहीं सा नहीं दपा मगर ऐसा, सुर की दूरी भी तुहाडे दिमाग दे विच होनी चाहिए है। और सा तो रे दे विचकार दूरी की बनती है और सा तो अगला सुर रे है। अज जिहड़ा मैं तुहानूं राग दे बारे जानकारी दे रहा ये आपां राग जिहड़ा हैगा बिलावल राग दे विच आपां कर रहे हैं। सा रे गा शुद्ध मा पा धा नी शुद्ध और उस बाद सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब शुद्ध सुरां दे उत्ते अज जिहड़ा ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि नवें बंदे नूं सिखाउण वास्ते सब तो पहला असीं शुद्ध सुर लैंदे हैं, क्योंकि कोमल सुरां दे विच कई वारी तुहाडे हत्थ जिहड़ा वो अण लग जांदा है और कोमल सुरां दी जिहड़ी फीलिंग हुंदी है वह नवें स्टूडेंट वास्ते उन्नी ज़्यादा मतलब उन्होंने कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोमल सुर जिहड़े हैगे उह बड़े नाजुक हुंदे है, उन्हूं लाउण वास्ते काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है, तां फीलिंग आ सकती है। सो ये शुद्ध है जिन्ना थोड़ा हाथ तैयार होगा उन्ना ही थोड़ा ज़्यादा अभ्यास अगे होर वधदा जाऊगा। और अगले अभ्यास दे विच फिर आपां एक चीज़ का होर ख्याल रखना है कि जदों हारमोनीयम सीखना है तो ये चीज़ का ख्याल जरूर रखना है कि जिहड़ा पखा हुंदा पिलो जिहनूं कह दिंदे आपां इहनूं असीं किस तरह वजाउणा है, ये पखे का यूज़ किद्दां करना। पखे का बहुत वड्डा संबंध है इहदे नाल। कई बार की होंगे कि ज़्यादातर जो सा स्टूडेंट होंगे है वह जो सुर तेज बजाऊँगी है ना, जिस तरह पखा दिखाओ इस तरीके पखे मारते हैं, सो ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह जो बंदा बजाएगा वह कदे भी जिंदगी कंप्लीट हारमोनीयम प्लेयर नहीं बस बना बन सकता, क्योंकि कारण ये कि ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਸੁਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਵਜਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਜਾਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਵਜਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ संपर्क जिहड़ा है तुहाडे उंगल इस उंगलों के नाल संपर्क इहदा नहीं होना चाहिए। यह नहीं है कि फास्ट उंगलों तो फास्ट जिहड़ा पखा असीं मारांगे उहदे नाल, एक तां इह है कि जिहड़ा जिहड़ी हारमोनीयम की ट्यूनिंग है वह खराब हो जाएगी, उहदा नोट जिहड़ा सुर है जिहड़ा उहदा हारमोनीयम का वह भी बेसुरा हो जाऊगा और उस तो बाद जिहड़ा है पखा वह फट जाएगा और वेखण नूं भी चंगा नहीं लगता। और सैकेंड जदों भी असीं हारमोनीयम बजाउणा है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ
ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਸਮੇਲ ਹੈਗਾ ਕਪਲਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਸਮੇਲ ਹੈ ਕਪਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਸੁਰ ਵੱਜੂਗਾ ਸਿੰਗਲ ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੁਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਸਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੋਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਾਊਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਰਮਾ ਭਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਜਾਉਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸਰਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਚੱਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ ਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਟੋਪਰ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਟੋਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟੋਨ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਟੋਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ
हारमोनीयम दे बहुत बहुत सारे डिफरेंस होंगे है, साउंड तो साउंड होंगी है, हारमोनीयम तो हारमोनीयम होंगे है। वड्डी गल है कि जब भी हारमोनीयम लैना तो इंटरनेशनल ट्यूनिंग कह के लाओ कि सानू इंटरनेशनल ट्यूनिंग चाहिए है, क्योंकि जो फिर तुम दुनिया के किसी भी हिस्से जाओगे या किसी भी साज नाल कीबोर्ड नाल गिटार नाल मैंडोलीन नाल किसी भी साज नाल जो बजाने की कोशिश करोगे तो वजूगा, क्योंकि वो ट्यून जी है इंटरनेशनल ट्यूनिंग है। अगर तुम इंटरनेशनल ट्यूनिंग वाला नहीं लेंदे वैसे ही किसी आम नॉर्मल जुगाड़ी दुकान तो ले लेने हैं तो उत्थे प्रॉब्लम जी है वो फिर तुम्हें यह आएगी कि तुहाडा जिहड़ा सुर है वह ट्यूनिंग नहीं आएगा। सो ट्यूनिंग लाजमी लैनी है। और हारमोनीयम का रेट का चक्कर यह है कि हारमोनीयम 5-6 हज़ार तो शुरू हो जाता है, जिन्होंने आप सिंपल पेटी कह दें बच्चों को सिखाने वास्ते लैना है तुम्हें तो 5-6 हज़ार की रेंज आ जाता, लेकिन वो प्रोफेसनल बंदे नहीं होंगे जां कह दिए कि रिकॉर्डिंग लई नहीं हुंदा जां अच्छी स्टेज पर वजाउण दे काबल शायद वो नहीं हुंदा। लेकिन अगर आप 10 हज़ार रुपए की रेंज दे विच गल कर लिए तो 10 हज़ार रुपए की रेंज दे विच अच्छे सिटीज़ दे विच अच्छे शहर जिस तरह लुधियाना जलंधर अमृतसर मोहाली दिल्ली 10 हज़ार की रेंज दे विच तुहानूं वधिया मिल जाता, यही जदों निक्के निक्के शहरां पिंडां च मिलूगा मिलेगा तो 11-12 हज़ार की रेंज मिल जाना तुहानूं, क्योंकि हर बंदे ने 1000-2000 अपना मार्जिन रखना। अगर अच्छा हारमोनीयम की गल आप करिए तो अच्छा हारमोनीयम तकरीबन 15 हज़ार तो 20 हज़ार के विचकार एक बहुत अच्छा हारमोनीयम जिन्हों आप इंटरनेशनल लैवल कह सकते हैं। तो वैसे हारमोनीयम की कोई रेंज नहीं है, जे आप देखिए कि चंगे जिहड़े आर्टिस्ट है वो तकरीबन कोई 45-50 हज़ार की रेंज का हारमोनीयम अपने को रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारिया फैसिलिटीज होंगे, बड़ी अच्छी साउंड होंगी है, इंटरनेशनल साउंड होंगी है। तो कोई मुल नहीं है, जगजीत सिंह जी को गुलाम अली साहब को जो हारमोनीयम है तकरीबन 1.5 तो 1.75 लाख रुपए की रेंज के हारमोनीयम होंगे है, उन्होंने आम जो अनजाण बंदा बजा भी नहीं सकता और ना वो अनजाण बंदे दिता जाता है कि तुम बजा लो, क्योंकि उन्होंने हवा जी बड़ी फिक्स होंगी है, हवा बड़ी तरीके बननी होंगी है, अगर कोई अनजाण बंदा उन्होंने 2 बारी पखा इस तरह मार दिता वो जरा वह बेसुरा हो जाना। सो हारमोनीयम के बारे बहुत सारिया गलां बातें बहुत सारिया जानकारियां जी अगली वीडियो के भी मैं तुम्हें दसूँगा, और हारमोनीयम की प्रैक्टिस किदा करनी है, हारमोनीयम की तैयारी आप कि करा वो चीज़ जी तुम्हें अगले मैं एपीसोड दसूँगा। तो एक मैं तुम्हें लैसन जरा जान लगा दे देना कि आप जी तैयारी है वह कि करनी है। सब तो पहला जरा प्रैक्टिस करनी है जिमें मैं तुम्हें दसिया अरोह तो अरोह ये जिनी तैयारी हो सके इस लैसन का अपना जोड़ा मकसद साढ़ा है कि तुम पहला तैयारी करो और उंगलों कितना रखनिया, मैं भी लाजमी दसदा बहुत सारे जोड़े बच्चे है वह उंगल इस तरीके रखते हैं जानी खड़ी खड़ी उंगल रखते हैं, जो तुम खड़ी उंगल रखोगे बहुत ज़्यादा वो थोड़ी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि यह भी एक एक जरा पोटा जिन्हों अं कह दीए यह सारा पोटा है ना, यह पोटा हाफ पोटा जरा टच करना चाहिए ना कि उंगल का जोड़ा है नौ नौ नहीं करना होंगे और ना ही असी सैकंड ए कट तक लैके जाना है। तो कई लोग होंगे कि वो बहुत नीवा करके बजाते हैं ऐ करके सीखते हैं आ चीज़ जी पूरी आ चीज़ जी है वह पूरी यूज़ करते हैं वो भी यदि तैयारी नहीं बननी। तैयारी करने वास्ते एक तो तुम बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इनू हार्ड नहीं करना, इनू खिच के नहीं रखना, बड़िया सॉफ्ट उंगल रखनी है, मखमली तरीके इन उंगलों रखना है, बस ये दिमाग से रखना है कि पोटा जिहड़ा है हाफ पोटा जिहड़ा इहदे ते टच होना चाहिए। तो जो तुम यह सारिया चीज़ों को ध्यान दे विच रख के हारमोनीयम सीखोगे और मिनीमम जिहड़ा हारमोनीयम मैं सुजैस करूँगा अगर नवे स्टूडेंट ने जिहड़े तो मिनीमम 1 घंटा जिहड़ा है सवेरे तो 1 घंटा शाम को 2 घंटे जिहड़े तुम लाजमी रियाज करो। और अगर तुहानू होर भी रागों की नॉलेज है तो सब तो पहला शुद्ध राग जिहड़ा कोई भी लै लो जिस तरह बिलावल थाट कह दें आप सारे गामा पादा नीसा, और उस तो बाद तुसी जिहड़ा हैगा कोमल कर दो गा और नी नू कोमल कर देना है, उस तो बाद खमाज राग लै लो सारे गामा पादा नीसा सारे गामा पादा नीसा सा नी दा पा मा गा रे सा सारे गामा पादा नीसा सा नी दा पा मा गा रे सा सारे गामा पादा नीसा। सिर्फ गा कोमल दी कोमल कर लिया शुद्ध जगह पर और नी शुद्ध जगह पर नी कोमल कर रहा, थोड़ी चलन सेम रहे रहेगी लेकिन राग दे विच बहुत फर्क है, बिलावल और खमाज दे विच बहुत ज़्यादा फर्क है। सो होर बहुत सारी जानकारी लैन वास्ते स्वर दे बारे आवाज़ दे बारे म्यूजिक दे बारे तुसी साडा जिहड़ा चैनल है
नरमन सिद्धू म्यूजिक एंड हिट मेकर रिकॉर्ड्स इस चैनल नू वध तो वध अगे शेयर करो अपने यारां दोस्तां नू अपने सज्जन मित्र जिहड़े म्यूजिक का शौक रखते हैं उन्हां तक लाजमी पहुँचाओ। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो अगले वीडियो दे विच फिर तुहाडे नाल मुलाकात करांगे कोई नवी जानकारी लैके। तो तुहानू साडा वीडियो किद्दां लगा अपनी जिहड़ी है कीमती राय सानू जरूर देनी। अगर चंगा लग्या तो ਤਾਂ ਵੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।